अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटेशन। जो आपने स्टेप्स किए थे 1 to 4 डिडक्शंस के बाद जो आपका स्टेप आएगा एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन बेसिकली तजर्बा करना किसी भी चीज़ का, कोई भी आपके साथ जो प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको आपने हाइपोथेसिस तक आ चुके थे, डिडक्शन तक आ चुके थे, उसके बाद जो स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन एक बेसिक स्टेप है। अगर आपके बाकी स्टेप जो हैं वो क्लियर हैं, वो अगर बाकी साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एग्री करते हैं उनसे, तो नेक्स्ट आपके पास स्टेप आएगा एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बा करना है ये देखने के लिए कि क्या हाइपोथेसिस जो है वो जो पेश किया था क्या वो ठीक है या गलत है, उस चीज़ को प्रूव करना है। अब जब आप लोग तजर्बा करोगे तो उस तजर्बे में ये नहीं है कि फर्स्ट स्टेप में ही आपके पास जो है रिजल्ट आ जाएगा, वो बार बार आप लोग उसको टेस्ट करने के लिए बार बार तजुर्बा करोगे, ठीक है। अब इस तजर्बे से आप लोग ये भी हो सकता है कि वो हाइपोथेसिस जो आपने बताया कि इस बीमारी की वजह ये हो सकती है, हो सकता है कि वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर वो करेक्ट हो जाता है, एक्सपेरिमेंट ठीक हो जाते हैं, जैसे अभी जो है वो कोरोना वायरस का जो मसला चल रहा है, अगर जिस तरह से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वहां पर कोई भी एक एक्सपेरिमेंट या किसी का भी एक्सपेरिमेंट करेक्ट हो जाता है कि हाँ इसकी वजह ये है, तो फिर आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्या किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास कि उसको समराइज किया जाए, उसको जितना भी आपने डाटा यहाँ से कलेक्ट किया। अब डाटा जो है वो आप लोग ऑब्जर्वेशन से, आपने हाइपोथेसिस से, डिडक्शन से जो है वो जितना डाटा है उसको कलेक्ट करके आपने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपको रिजल्ट मिला है उसको आपने क्या करना है, समराइज करना है। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास कि उसको समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। अब समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जितना भी आपके पास क्वांटिटेटिव जो डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मैंने आपको बता दिया था, तो क्वांटिटेटिव डाटा जो है उसे कलेक्ट करेंगे, उसको जो है वो ग्रुप्स में और इवन जो है वो उसको स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू, यानी स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होगा, बाय यूजिंग फॉर्मूलाज, मॉडल्स एंड टेक्निक्स वगैरह, इसको यूज करते हुए उन्होंने जितना डाटा है उसे कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने स्टैटिस्टिकल के लिए लिखा है। तो अब जितना आपके पास डाटा आया आपने इसे कलेक्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, और बायोलॉजिस्ट जो है इससे एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू जो है वो सारी जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करने के बाद अभी भी यहाँ पर चीज़ जो है वो फाइनल नहीं हुई है, तो इसको क्या करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे कि इसे रिपोर्ट किया जाए। जब यहाँ पर चीज़ प्रूव हो गई है, यहाँ पर आपके पास जो है रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अब आप लोग करोगे रिपोर्ट, ठीक है। अब रिपोर्टिंग रिजल्ट को चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इसको जो है वो नहीं करता चैलेंज, तो ये उस वक्त तक फिर एक कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो रिपोर्टिंग द रिजल्ट में फिर आपके पास क्या होता है कि ये जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई थी, जितने भी जो है वो आपने कलेक्ट किया डाटा, उसको जो है रिपोर्ट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, कहने के इश्तहारों में, बुक्स में, इवन जो आपकी जैसे न्यूज़ चैनल पे बैठ के लोग बातें करते हैं, इस तरह से नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, उसमें इसे डिस्कस किया जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, तो उसके रिजल्ट को फिर इस तरह से कह लें कि शाया कर दिया जाता है। सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार्स कहते हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में लोग स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे, वहाँ पर आएंगे वो लोग जिन्होंने ये चीज़ जो है वो बताई है, वहाँ पर आके वो बताएंगे इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है। अब वहाँ पर लोग उसको चैलेंज भी कर सकते हैं अगर उनमें इतनी एबिलिटी है तो। अब रिजल्ट उसके बाद फिर जो जितने भी होंगे साइंटिफिक मेथड, कह लें कि ये पब्लिशिंग जो है ना ये मेजर पार्ट है, पब्लिश करना, पब्लिश उस वक्त तक नहीं किया जाता जब तक पूरे स्टेप ना हो जाए, जब तक चीज़ जो है वो साबित ना हो जाए, जब तक आप लोग और बाकी साइंटिस्ट जो है इसे एग्री ना करें तब तक इसे पब्लिश नहीं किया जाता। तो ये फाइनल स्टेप होता है किसी भी जो है कह लें कि कोई भी आपने काम किया उसको फिर पब्लिश किया जाता है, ठीक है। अब आप पब्लिश जैसे किया जाता है वहाँ पर लोग इसे वेरीफाई भी करेंगे, लोग इस नॉलेज को अप्लाई भी करेंगे, और हो सकता है कि इसको यूज़ करते हुए और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और ये डाटा और ये जो आपने स्टेप्स किए हैं इसको हम लोग और ज़्यादा ईजी वे में कर सकते हैं कि
किस तरह से ये बार बार मैं एक ही बात कर रही थी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये किया जाता है, ये किया जाता है। तो फाइनली हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आज से कह लें कि बहुत अरसा पहले, ठीक है, तकरीबन जो है वो 2000 साल पहले जो है वो मलेरिया आया था, मलेरिया, ठीक है, जो कि एक क्या थी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो मलेरिया को सॉल्व भी इसी तरह से किया था, इस ये एक प्रॉब्लम थी और इससे बहुत ज्यादा लोग जो है वो मरे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग इसकी वजह से जो है, और वजह पता नहीं चल रही थी। अब तो हमें पता है ना मलेरिया की वजह तो ये है, ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त किस तरह से पता चला, किस तरह से रिकग्नाइज किया गया, किस तरह से ऑब्जर्वेशन की गई, किस तरह से जो है वो आपके पास हाइपोथेसिस एंड डिडक्शंस, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट सब बहुत मरतबा रिजेक्ट हुए, एक्सपेरिमेंट जो है वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई, दोबारा से फिर उस काम को करना, फिर उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट के बाद, अब फिर इतने सालों बाद जब एक्सपेरिमेंट जो है एक्सेप्टेबल हुआ तो जो रिजल्ट था वहां पर आके कोई प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व करने के लिए इतना ही टाइम लगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल, इसकी हिस्ट्री जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इन रिजल्ट को आपने लर्न करना है अच्छी तरह से, ईजी है, और अपने माइंड में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का रख के करोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।